तो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे, और अगर आप लोग बढ़िया नहीं भी होगे तो ये वीडियो देखने के बाद पक्का बढ़िया हो जाओगे। मगर क्यों? क्योंकि गाइस हमारे गेम में बहुत ही जल्दी दिवाली का इवेंट स्टार्ट होने वाला है, जिससे रिलेटेड गेम में आज बैनर भी आ चुका है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और इस वाले बैनर में आप लोग देख सकते हो कि दो बंडल बने हुए हैं, जिसमें से एक हमारा रावण जी का बंडल है, एक हमारे राम जी का बंडल है। तो इन दोनों बंडल की मैं आप लोगों को रिव्यू करवाने वाली हूँ आज की वीडियो में। मैं नहीं मानता। और इतना ही नहीं, यहाँ पर रावण जी के बंडल की तो पूरी वीडियो भी निकल के आ चुकी है, वो भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ दिवाली इवेंट से रिलेटेड जितने भी फ्री का रिवॉर्ड्स है, सबके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो काफी मजा आने वाला है वीडियो पूरी देखना। तो चलो बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख लो, यहाँ पर हमारे दिवाली इवेंट की जो लॉबी निकल के आ चुकी है यार, इसमें काफी अच्छी यार डेकोरेशन की गई है, एंड पूरा इसको देखकर दिवाली वाली ही वाइब आने वाली है। सो अभी 42 अपडेट के बाद आपको गेम में यही लॉबी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर दिवाली इवेंट का आइकन भी निकल के आ चुका है, जिसमें दिया बनाया गया है। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिवाली 2023 लिखा हुआ है। तो यार मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि इस बार का जो दिवाली इवेंट है वो फाइनली दोबारा से दिवाली के नेम से ही देखने को मिल रहा है। इतनी खुशी। और इसके अलावा इस बात कर ले बंडल्स की, तो बैनर में आप लोग देख ही सकते हो दो बंडल क्लियर दिखाए गए हैं। एक हमारा रावण जी का बंडल है और एक हमारे राम जी का बंडल है। ये वाला आप लोग देख सकते हो राम जी का बंडल है, इसकी अभी यार वीडियो निकल के नहीं आई है, लेकिन हमारा ये जो रावण जी का बंडल है इसकी वीडियो आ चुकी है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सो ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में भाई साहब क्या ही खतरनाक बनाया है इस बार का रावण जी का बंडल। पहली बार हमारी गेम में इंडियन थीम पर बेस्ड बंडल आ रहा है, एंड ये जो बंडल है इतना स्टाइलिश बनाया है कि कहीं कहीं ये थोड़ा सा कबीर सिंह जैसी वाइब भी दे रहा है बीच में। सही में इसकी दाढ़ी मूंछों से तो ये कबीर सिंह जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसके सिर पे आप लोग देखोगे तो मुकुट टाइप का भी आता रहता है टाइम टू टाइम, जो कि काफी अच्छा इफेक्ट देता है। साथ ही साथ इसका जो टॉप है वो भी आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा बनाया है, और जिस गाड़ी के ऊपर ये बैठा है, साथ ही साथ इसके हाथ में आप लोग देखोगे कि एक साइथी का स्किन है, ये भी आपको गेम में देखने को मिल जाएगा। बाकी टॉप बहुत ही अच्छा बनाया है, साथ ही साथ हमारी जो पैंट है इसकी वो भी काफी बढ़िया है, जूते भी आप लोग देख ही सकते हो। और इसका जो फेस वाला पार्ट है इसमें आप लोगों को चश्मा प्लस दाढ़ी देखने को मिल जाएगी। एंड इसके अलावा इसके सर पे आप लोग देखोगे तो इसका जो बाल है वो दो तरह के देखने को मिलेंगे, एक हमारे नॉर्मल ब्लैक बाल रहेंगे एंड एक में इसका मुकुट आ जाएगा। तो दो तरह के हेयर स्टाइल आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस ये जो बंडल है ऑफकोर्स पेड इवेंट में ही आएगा, फ्री में इसकी उम्मीद मत रखना, बिकॉज इतना अच्छा बंडल करीना फ्री फायर कभी भी फ्री में हम नहीं देगा, भूल जाओ। बाकी यार आपको बंडल कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी बात करें दूसरे बंडल्स की, तो यहाँ पर रावण जी का जो बंडल है वो तो दिखा दिया, यहाँ पर लक्ष्मण जी का बंडल है, एंड साथ में सीता जी का बंडल है, राम जी का बंडल है। इनमें से शायद कोई बंडल आप लोगों को फ्री में देखने को मिल सकता है। एंड हमारा जो सीता जी का बंडल है गाइस, इसकी बस अभी तक इतनी ही फोटो निकल के आई है, जैसे इसकी कोई बड़ी पिक निकल के आएगी तो मैं आपको जरूर से दिखा दूंगी, ठीक है? ठीक है। और इसके अलावा इस दिवाली की थीम पर बेस्ड आपको काफी सारे टोकन देखने को मिलेंगे, जिसके बदले में आप लोग फ्री के रिवॉर्ड्स को एक्सचेंज कर पाओगे, साथ ही साथ डायमंड वाले रिवॉर्ड्स को भी एक्सचेंज कर पाओगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ बॉक्स एंड क्रेट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर से आप लोग यार फ्री के रिवॉर्ड्स ले पाओगे या फिर कुछ पेड रिवॉर्ड्स भी ले पाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आप लोगों को फ्री का मैजिक क्यूब भी देखने को मिलेगा 100% कंफर्म। साथ ही साथ आप लोगों को दिवाली विश इवेंट हो गया, दिवाली पास इवेंट हो गया, गिफ्ट स्टोर में डिस्काउंट हो गया, ये सारे इवेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। इतनी खुशी। जो कि गाइस आपको हर साल दिवाली पर देखने को मिलते ही मिलते हैं। साथ ही साथ इस गेम में जो बैनर आया है उस पे तो 27 अक्टूबर की डेट लिखी है, तो शायद 27 अक्टूबर से हमारा दिवाली का इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आप लोग रेडी रहना फ्री का रिवॉर्ड्स क्लेम करने के लिए। इतनी खुशी। और इसके अलावा गाइस लास्ट में बात कर लूं बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए, तो यार वहां पे आप लोगों को दिवाली की जगह हैलोवीन का इवेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज बांग्लादेश में दिवाली का इवेंट नहीं आता है, पिछली बार आ गया था बिकॉज पिछली बार इंडिया में गेम बैन थी, तो इसीलिए लाइट फेस्ट के नेम से पिछली बार दिवाली का इवेंट बांग्लादेश में भी दे दिया था, लेकिन इस बार नहीं आएगा बिकॉज 1 नवंबर को हमारी फ्री फायर इंडिया आ जाएगी, एंड दिवाली का इवेंट इंडिया में ही आ रहा है, तो इसलिए बांग्लादेश में नहीं आएगा। वहां पर आपको इसकी जगह हैलोवीन का इवेंट देखने को मिलेगा, एंड बैकग्राउंड में आप लोग देख ही सकते हो हैलोवीन के इवेंट पर भी आपको काफी अच्छे फ्री के रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग टेंशन मत लो, बांग्लादेश में जल्दी ही हैलोवीन का इवेंट स्टार्ट होने वाला है। ओके और बाकी गाइस अगर आपको भी फ्री में गेम्स खेल के पैसे कमाने हैं, तो मैंने पिन कमेंट में एक ऐप का लिंक दिया है, उस ऐप को जाकर डाउनलोड करो। यहाँ पे आप लोग फ्री में गेम्स खेल के फ्री फायर के डायमंड्स और रियल कैश जीत सकते हो, तो अभी जाकर डाउनलोड करो। बाकी आज इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही वो लाइक करें पैर पर हाथों से ऑन भी कर देना। तो मैं मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।